मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी को 24 साल बाद पहला गैर गांधी अध्यक्ष मिला। खड़गे ने शशि थरूर को 6,825 वोटों से हराया। चुनाव में 416 वोट रिजेक्ट हो गए। कई नेता तो मतपत्र में राहुल गांधी का नाम लिखकर चले आए। बता दें कि बाबू जगजीवन राम के बाद कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर पहुंचने वाले खड़गे दूसरे दलित नेता हैं। जीत के बाद खड़गे ने कहा कि सोनिया ने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। खड़गे खुद पार्टी के लिए वो सब कुछ करेंगे जो वो कर सकते हैं। इस दौरान आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भी कह दिया कि मेरी भूमिका क्या होगी वह खड़गे साहब तय करेंगे। इतना ही नहीं, राहुल ने आगे कहा कि मैं अपनी न ही कांग्रेस के नए अध्यक्ष की भूमिका के बारे में कह सकता हूँ, वह काम खड़गे साहब का है। ऐसे में पार्टी में मेरी क्या भूमिका होगी वो खड़गे साहब तय करेंगे। I answered that question. My role, of course, I cannot comment on Congress President's role. That is for Mr. Kharge to comment on. I am very clear as far as my role is concerned. The President will decide what my role is and how I am to be deployed. No supplementary. That you have to ask Kharge ji and Sonia Gandhi ji. But as far as, bhaiya, can you just move a bit to the side so I can see the lady? As far as I know, ma'am, don't interrupt. As far as the Congress party is concerned, the final authority in the Congress party is the Congress president, and we will have a new Congress president, and that gentleman will decide exactly how the Congress party moves forward. Sir, this is Sharif from Rahul. खैर, अब तो ये देखने वाली बात होगी कि खड़गे का रोल राहुल या गांधी परिवार डिसाइड करेगा या फिर खड़गे राहुल गांधी का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया डिजिटल।